हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हार्ट लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क पर, और टाइम एंड वर्क पे दो टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। उसमें एक तो सिंपल टाइम एंड वर्क और दूसरा आपका पाइप और टंकी टाइप के क्वेश्चंस को हमने लिया था। तो दोस्तों, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट इसी सीरीज में और भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं मैं आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 50 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य शुरू करें परंतु 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ दे, उसके 5 दिन बाद ए भी कार्य छोड़ दे, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिए, इसको करने का तरीका तो वही है एलसीएम मेथड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अच्छी ट्रिक से किस तरीके से इसको इजी वे में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया दोस्तों, देखिए उसको ध्यान से और समझ लीजिए। मान लीजिए काम यहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है काम का, यहां से काम स्टार्ट हुआ और शुरुआत में देखिए यहां पे लिखा हुआ है तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। तो यहां से कार्य शुरू किया मान लीजिए दोस्तों, और कार्य यहां पे एंड हो रहा है, ये एंड पॉइंट है कार्य का। एक काम जो शुरू किया वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे दोस्तों एंड हो गया। स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम किया। कितने दिन तक किया दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी ने, क्योंकि 4 दिन बाद बी छोड़ गया है, तो इसका मतलब 4 दिन तक इन तीनों ने काम किया है। मान लीजिए यहां 4 डेज तक इसने, इन तीनों ने मिलकर यहां तक काम किया, ये 4 डेज है, ये आपके 4 डेज तक इन्होंने काम किया। इसके बाद में दोस्तों बी छोड़ गया, तो इसका मतलब कौन काम कर रहा है अब, ए प्लस सी, ए प्लस सी। जब ए प्लस सी काम कर रहे हैं उसके बाद में 5 दिन बाद ए भी छोड़ गया, तो ए प्लस सी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया दोस्तों, मान लीजिए 5 दिन तक काम किया इन्होंने किया, फिर 5 दिन तक काम, तो ये 5 दिन तक का काम हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक 4 दिन का काम हो गया दोस्तों। अब ये पूछ रहा है तो पूरा काम करने में कितना समय लगा। तो देखिए लास्ट में यहां तक ए प्लस सी थे, इसके बाद में देखिए यहां पे तो छोड़ा था किसने, बी ने, यहां से बी कैंसिल हो गया, यहां पे फिर उसके 5 दिन बाद ए भी छोड़ गया दोस्तों, यहां पे ए छोड़ गया तो बचा कौन, सी। तो यहां पे जो वर्क कर रहा है वो अकेले सी ने यहां से लेकर यहां तक वर्क किया। तो अगर हमको इसका वर्क भी पता हो कि भाई सी कितना वर्क का कितना पार्ट कर रहा है, अगर वो पता कर ले और कितने दिन लगा रहा है, तो क्योंकि हमको पूछा है कि पूरा काम करने में कितना दिन लगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले वही ट्रिक है, आप लिख लीजिए दोस्तों ए कितने दिन तक काम कर रहा है, 20 दिन तक, बी कितने दिन तक काम कर रहा है दोस्तों, 25 दिन तक, और सी कितने दिन तक काम कर रहा है, 50 दिन तक। बिल्कुल ये दिन आ गए। इसके बाद में दोस्तों वही टेक्निक एलसीएम वाली टेक्निक मैंने आपको बताई है, टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क क्या आएगा बताइए, टोटल कितना वर्क यूनिट वर्क हुआ, एलसीएम ले लीजिए 50, 25 और 20, 50, 25 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे दोस्तों, 50 सबसे बड़ा है उसकी टेबल बोलिए, तो 50 दुनी 100, 50 में आपका 20 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसका एलसीएम दोस्तों क्या आएगा हमारा, 100 आएगा। तो 100 यूनिट टोटल वर्क करना है, कहने का मतलब है कि कितना वर्क हमको करना है, 100 यूनिट वर्क को इन तीनों को करना है। तो 100 यूनिट वर्क में पर डे वर्क आप निकाल लीजिए, पर डे कितना यूनिट हो रहा है, पर डे वर्क निकाल लीजिए दोस्तों। पर डे वर्क कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, देखिए उस वीडियो को मजा आएगा। 100 50 20 को 20 से डिवाइड कीजिए 100 को, 20 पंजे 100, तो 5 यूनिट तो किसने किया दोस्तों, ए ने किया, और 100 में से 25 चौको 100, 4 यूनिट किसने किया, बी ने किया, और 50 दूनी 100, 2 यूनिट दोस्तों किसने किया, सी ने किया। अब मैं बात करूं आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी ने कितना पर यूनिट, मतलब
पर डे वर्क किया है, तो मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर पर डे वर्क कितना कर रहे हैं, पांच और चार नौ और दो 11 यूनिट वर्क ये पर डे करते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सी की बात करूं, मान लीजिए अकेला सी, तो अकेला सी कितने यूनिट कर रहा है, दो यूनिट। ये पर डे का है, ये पर डे का वर्क है कि एक दिन में 11 यूनिट वर्क का ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं और दो यूनिट केवल सी करता है। तो अब दोस्तों अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि ए प्लस बी प्लस सी ने चार दिन में कितना वर्क कर लिया, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं दोस्तों, 11 यूनिट। तो चार दिन में कितना करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको चार को, तो 44 यूनिट, 44 यूनिट ए प्लस बी प्लस सी ने चार दिन में कर लिया। उसके बाद में ए प्लस सी ने कितने दिन में कर लिया, तो ए प्लस सी का एक दिन का वर्क क्या है दोस्तों, पांच और दो। ए प्लस सी का भी लिख लीजिए यहाँ पे, ए प्लस सी का वर्क कितना है दोस्तों, पांच और दो सात, सात यूनिट एक दिन का काम है। तो पांच दिन में कितना कर लिया उन्होंने, सात से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 35 यूनिट। तो दोस्तों देखो 44 यूनिट तो यहां तक हो गया, 35 यूनिट काम यहां पे हो गया। टोटल काम कितना करना है हमको, 100 यूनिट। तो बाकी का काम कौन करेगा, देखिए ये दोनों प्लस करोगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों, पांच और चार नौ 79। कहने का मतलब ये है इस पॉइंट तक हमने 79 यूनिट 100 में से कर लिए हैं, बचा कितना है 21 यूनिट। यहां कितना बचा है दोस्तों, जो सी करेगा 21 यूनिट सी करेगा, 21 यूनिट वर्क कौन करेगा, सी करेगा। लेकिन सी कितने दिन में करेगा, सी का डे निकाल लीजिए तभी हमको पता लगेगा टोटल काम को होने में कितने दिन लगे। तो देखिए दोस्तों सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, दो यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम कितना करना है उसको लास्ट में, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट को कितने दिन में करेगा, सी को कितना टाइम लगेगा बताइए, बताइए 21 टोटल यूनिट है जो करने हैं और दो यूनिट एक दिन में करता है, तो कितने दिन लगे दोस्तों, आपको पता है 10.5 दिन, 10 सही 2 1/2 डे, इतने दिन इसको लग गए। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितने दिन लग गए इसी को, 10 सही 1/2। तो आपको पूछा है कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम देखिए आ गया आपका आंसर, बस पूरा काम करने में समय कितना लगेगा दोस्तों, देख लीजिए समय ऐड कर दीजिए, यहां पे कितने दिन लगे थे, चार दिन, यहां पे कितने दिन लगे, पांच दिन, और सी को करने में कितना लगा, 10.5। तो दोस्तों पांच और चार नौ और दस 19, तो 19.5 दिन टोटल आपको इस काम को पूरा करने में लगेंगे, यही आपका आंसर है दोस्तों। तो इतना अच्छा क्वेश्चन, और अगर आप तरीके से चलोगे इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं इसी का ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और दूसरे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया इसको, देखिए क्या डिफरेंस है। तीन व्यक्ति ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों मिलकर कार्य शुरू करें। तो तीनों मिलकर ही कर रहे हैं स्टार्टिंग में, उसी क्वेश्चन में ये था, परंतु तीन दिन बाद बी कार्य छोड़ गया, कार्य खत्म होने से दो दिन पहले, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है यहाँ पे, कार्य खत्म होने से दो दिन पहले ए भी कार्य छोड़ दे तो पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए दोस्तों वही कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कार्य कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, कार्य स्टार्ट हो रहा है यहां से और कार्य एंड हो रहा है मान लीजिए यहां पे, ये एंड पॉइंट है। तो फ्रेंड्स यहां से सबसे पहले आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, और तीनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं तीन दिन बाद, तो कितने दिन तक काम तीनों ने मिलकर किया है, तीन दिन तक। तो यहां से 3 days का काम हो गया, 3 days का काम इन्होंने कर दिया यहां तक। इसके बाद में देखिए तीन दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो यहां से किसने छोड़ दिया काम, बी ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, तो अब कौन बच गया, ए प्लस सी। यहां पर कौन काम स्टार्ट कर रहा है, ए प्लस सी काम कर रहा है। लेकिन एक चीज और दी है फ्रेंड्स इसमें, दो दिन पहले कार्य खत्म होने से दो दिन पहले, कार्य कहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, इससे दो दिन पहले आ जाइए, 2 days, 2 days यहां पे काम हो गया, और 2 days पहले कौन, ए भी कार्य छोड़ता है, तो ए यहां पे दो दिन पहले काम छोड़ता है,
तो इसका मतलब क्या है कि ए ने जब काम छोड़ दिया यहां पे, तो केवल क्या रह गया, सी ने काम किया यहां पे। यहां पे काम किसने किया, सी ने काम किया। तो दोस्तों ए प्लस सी ने कितना काम किया वो आपको पता करना है, और कितने दिन में किया वो आपको पता करना है, फिर आपको पता लग जाएगा कि टोटल काम को होने में कितने दिन लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बने रहिए इस वीडियो में, देखिए इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों। यहां पे सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, ए कितने दिन में कर रहा है काम, 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 24, और सी 32। इतने दिन में काम हो रहा है, टोटल काम निकाल लीजिए दोस्तों, टोटल कितने यूनिट काम जो करना है, टोटल वर्क निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 16, 24 और 32 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 32 की टेबल बोलिए, 32 दूनी 64, 24 की टेबल में नहीं आता है, 32 दूनी 64, 32 ये 96, तो 96। तो टोटल 96 यूनिट का काम आपके पास में है जिसको इनको करना है। तो पर डे वर्क निकाल लीजिए दोस्तों, पर डे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कितने यूनिट काम कर रहे हैं, देखिए ये 96 को 16 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 16 छिंगी 96 तो 6 यूनिट तो कौन कर रहा है, ए, एक दिन में 6 यूनिट ए कर रहा है। इसके बाद में बी देखिए, 24 दुनी 48 और 24 का टेबल बोलिए दोस्तों, 24 की टेबल बोलोगे, 24 से डिवाइड हो रहा है कि ये देखिए 24 दिन 4 बार जा रहा है बिल्कुल, तो 4 डे या 4 यूनिट ये आ गए दोस्तों। इसके बाद में देखिए 32 की से डिवाइड कीजिए, 32 दुनी 64 और 32 36 तो 3 यूनिट सी काम कर रहा है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितना काम कर लिया एक दिन में, कितने यूनिट काम हो गए, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट तो दोस्तों इन्होंने कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर 13 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया है, 13 यूनिट इन्होंने किया। तो इसके बाद में देखिए और क्या रह गया, बी, केवल बी की बात कीजिए, केवल बी कितने दिन में काम कर रहा है, केवल बी कितने में, 4, केवल बी की बात करूं मैं तो 4 पर डे का काम कितना है, 4 यूनिट, और केवल सी की बात करूं तो पर डे का कितना है, 3 यूनिट, और ए प्लस सी की बात करूं तो ए प्लस सी 6 और 3 9 यूनिट, ए प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 9 यूनिट, एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है ए प्लस सी। तो दोस्तों आ जाइए आप यहां पे आ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी इतने दिन में, 3 दिन में कितना काम करेंगे, जब एक दिन में वो 13 यूनिट कर रहे हैं तो 3 दिन में क्या करेंगे दोस्तों, 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूनी 26 33 39, तो 39 यूनिट ये ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में करेंगे, और सी है वो 2 दिन में कितना करेगा, सी एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है दोस्तों, 3 यूनिट कर रहा है, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट कर दिया। आप देखिए दोस्तों कितना यूनिट हमारे पास बच गया काम, 39 प्लस 6, तो 39 प्लस 6 करोगे तो 45 डेज का काम तो हो चुका, 45 डेज माइनस कर लीजिए इसमें से, और 45 डेज जब आप माइनस करोगे दोस्तों तो क्या बचेगा, 51, तो हमारे पास शेष काम कितना बच गया, 51 यूनिट का शेष काम बच गया, जो ए प्लस सी मिलकर करना है, ए प्लस सी को ये काम करना है, बाकी का काम किसको करना है, अब ए प्लस सी को, कितना यूनिट, 51 यूनिट। लेकिन ए प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, ए प्लस सी एक दिन में 6 प्लस 3 9 यूनिट कर रहे हैं, तो दोस्तों 9 से डिवाइड कर लीजिए, आपको कितना दिन में कर रहे हैं ये काम, इतने बीच में कितने दिन में काम हो रहा है बता दीजिए, ए प्लस सी का टाइम कितना हो गया, 51, तो टोटल काम करना है इनको, और कितने दिन, एक दिन में कितना करते हैं, कितना यूनिट करते हैं, 9 यूनिट, और 9 से आप जब डिवाइड करोगे दोस्तों तो 9 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 9 पंजे 45, और 45 और क्या बच गया, 6 बच गया दोस्तों, तो 6 बटा 9, और 6 बटा 9 को वापस काटोगे आप, 3 दूनी 6 3 9, तो 5 सही 2 बटा 3, तो 5 सही 2 बटा 3 देश तो यहाँ पे इनको लग गए। अब देखिए टोटल काम को होने में कितना दिन लगा, टोटल टाइम निकाल लीजिए, टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों, कैलकुलेट कर लीजिए, 3 दिन तो यहाँ पे,
और यहां पे कितने निकले, 5 सही 2/3, और ये लास्ट में सी 2 दे, तो ये हो गया 3 और 2 5 और 5 10, तो 10 सही 2/3 दिन, इतने डेज इस कंप्लीट काम को होने में लगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस में फॉलो करते हुए आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने 2 क्वेश्चन किए इस वीडियो में, आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरीज है हमको कमेंट करके बताएं। आपके साथ स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट, थैंक यू।